तो हेलो आइस, आ चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले ड्यूलर के वापिस इसी के साथ में। आज जो हम गेम लेकर के आए जिसका नाम है द बेबी इन येलो। तो अब इसके बारे में क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो कि हमने इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था, एक सेकेंड, ये इसका जो फर्स्ट वाला और दो सेकेंड इसके दो पार्ट्स आ रखे थे, तो हमने इसके दोनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। अब जिसके बाद में हमारा थर्ड वाला पार्ट जो कि न्यू अपडेट वापस से आ रखा है द बेबी इन येलो का, जो कि हमने दो पार्ट तो पूरे कर कंप्लीट कर दिए थे, पर ये उसका आ गया है थर्ड वाला वर्जन। तो इसका न्यू अपडेट आया था तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए क्यों वीडियो ना, मतलब कि वीडियो क्यों नहीं बनाऊँगा मैं, तो बस आया ही था। तो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव था ही था कि जो कि मैंने उसके लिंक्स देखे थे, तो बस लाना था इसका वीडियो, तो मैं लेकर के आ चुका हूँ। और तो ये वाला थोड़ा सा कुछ पहले वाले से भी ज़्यादा हॉरर होने वाला है जो कि मुझे पता है। अब बाकी हम आगे आकर के गेम को करते हैं सीरीज कंटिन्यू। फिल द बेबी गेट बॉटल फ्रॉम फ्रिज। ओके, हमें वही करना है जो कि बेबी को जाना है और बेबी के लिए ले करके आना है ये वाली बॉटल। ओके भाई, तो पी ले। अब इसको और कुछ भी नहीं करना, मतलब कोई कुछ नहीं। चेंज बेबी टेक बेबी एंड दिस फॉर। ओके ओके ओके, चलो आ जाओ। तो गंदा सा बच्चा है ना। नहीं, आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट सा लग रहा होगा, आप मेरे दो पार्ट जा करके देखना कि मतलब कितना गंदा बच्चा है ना, आप लोगों को पता लग जाएगा। अरे तो वो रोने लग गया, सॉरी। अरे मैं इसको फेंक नहीं पा रहा हूँ, चल बैठ जा। अब कोई काम मत कर दे, बस कांड नहीं करेगा तो फिर इसका चेंज बेबी। ओके चेंज तो करूँ, बेबी कहाँ गया? बेबी यहाँ पर आकर के बैठ गया। बेबी आ जाओ। अरे मैं इसको रोने लग जाता है वापस, मतलब इसकी आंखें देख सकते हो आपकी, इसकी आंखों के अंदर इसका भूतियापन दिखाई जा दिखा दे रहा है। मतलब पुट बेबी टू बेड, टेक बेबी टू बेड। ओके, यहाँ बिल्ली ली रहती है क्या? ये बिल्ला ही है ना, इसके पैर पे चोट भी लगी हुई है। ओके हमने बिठा दिया इसको। फाइंड द स्टोरी बुक एंड सिट डाउन। ओके बैठ जाता हूँ, इसको अब स्टोरी सुनानी पड़ेगी। Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. ये स्टोरी है क्या है? मतलब इतना गंदा साउंड। But the prince did... सो गया, ऐसा लगता है कि जैसे सो गया है भाई, सो गया इतना आसानी से सो गया, मुझे लग नहीं रहा था, पर हम सो गए। इसका मैं स्विच विच नहीं है कि मैं लैंप को बंद कर देता हूँ ना, तेरी इसको मैंने उठा लिया। चलो बैठ जा, तू सो रहा है ना? हाँ ये तो सो रहा है, चलो आ जाओ। मैं जाता हूँ। वॉच फॉर पेरेंट्स, वॉच टीवी ऑन सोफा। ओके तो हमें यहाँ पर मतलब जैसे ही एक झपकी सी आई हमें, और इसका भाई जो कि जिसके साथ में हम हमारा कैरेक्टर है, इसका भाई है वो बच्चा छोटा सा, इतना शैतान। मुझे पता था कि नहीं यहाँ पर तो मिलेगा नहीं मुझे, अब कहाँ मिलेगा? यहाँ पर ही क्या? ये तो छोटा सा ही रूम है। इसको वापिस से दूध पिलाना पड़ेगा। चला जा, तू बैठ जा, मैं दूध लेकर जाता हूँ। दूध खत्म। पुट बेबी टू बेड अगेन, टेक बेबी टू बेड। ओके हमें इसको वापिस से सुलाना है। अरे यार ये तो ये बहुत तंग करता है यार, बच्चा गंदा बच्चा, रुक जाओ, चलो सो जाओ। अरे यार इसको कोई टॉय देना पड़ेगा मुझे जब जाकर के खुश होगा। ओके हाँ बस तू खेल इसे आराम से और सो जाना टाइम से बच्चा। वॉच टीवी ऑन द सोफा। भाई दो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं वैसे है, आप लोगों को तो पता है, मतलब कि आप लोगों में से बहुत सारे बंदों ने देख लिया होगा इसका पार्ट, पर ये वाला जो भी बंदा देख रहा है तो आप वो वाले भी जा कर के देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उनको अंदर में, मतलब कि उनके अंदर भी आप लोगों को। लोडिंग,
ये क्या हो रहा है? प्लेयर सीरीज टू स्टार्ट, एक सेकेंड। अच्छा वो फर्स्ट वाली लाइन नाइट थी हमारी जो कि बीत चुकी है। और ये मेरे मोबाइल को क्या हो रखा है, एक सेकेंड में। आप लोगों ने जैसे कि देख रखा होगा कि मैं बहुत कम मतलब उसके अंदर खेल रहा हूँ इसको, बहुत कम साउंड के अंदर, क्योंकि मैं इतना देख सकते हो आप लोग, क्योंकि इतना मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे एयरफोन्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही। ये यहाँ पर कब आया? अरे यार तू बैठ, आराम से बैठ, यहाँ रोने लग जाएगा। चला जा, तू एक काम कर, गेट बॉटल फ्रॉम फ्रिज। तो यहाँ पर बैठ, हम यहाँ पर बैठ करके ही इसको मैंने बंद नहीं किया। बोतल गायब, फाइंड द बोतल। अब बोतल छुपा दी यार, क्या क्या करवाती है ये। मैं बाहर भी नहीं जा सकता, किसके अंदर हो सकती है बोतल ये, क्या? ओके बोतल मिल गई, बोतल मिल गई, पर बच्चा गायब हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, बच्चा बैठा है यहाँ पर। तो पी, ओके तो बस ये खाओ पियो और रेस करो और बड़े भाई को तंग करो। तू बैठ जा, मैं ले करके आता हूँ और तू गायब हो जाओ। ये क्या है? वाओ मतलब कि अब इसका भी मतलब नखरे झेलो। अब कहाँ गई? वेट यार ये क्या है, मुझे इसको पकड़ना है। कहाँ गया? मैं दरवाजा लगा देता हूँ। अरे भाग गया यार, मैं इसको लगा देता हूँ। अब पकड़, अब ओके ओके चलो हम एट दी एंड मैंने इसको पकड़। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ से वापस से छूट चुका है वो, पर ऐसा नहीं था। अब मैं यहाँ पर इजीली उसको पहना सकता हूँ। ओके बच्चा यहाँ पर मिल गया, ये बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात है कि बच्चा मुझे यहाँ पर मिल गया। टेक बेबी टू बेड, और बच्चा हाथ से भागा। यार कितना शैतान बच्चा है, मतलब दिखने में तो बहुत ज़्यादा क्यूट। ये तो मैंने ही खोला था ना, मैं इसको लगा देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सो जा बच्चा, आ जा मुन्ना, फाइंड द स्टोरी बुक एंड वापिस से इसको सुला। मतलब क्या है यार इसका बार बार सा। ओके मैं इसको सुला देता हूँ। हाँ चल सुन ले, ये क्या रे पागल हो रहा है। मैं थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूँ। यार इसको क्या चाहिए? फूड द करंट, मुझे इसको टॉय देना है कोई सा भी एक। तू सारे ले लेना, तू बस रो मत, सो जा और मुझे आराम से सोने दे। अरे यार तो ओके, हमें जाना है कंटिन्यू रीडिंग, पुट बेबी टू बेड। कंटिन्यू रीडिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। मुझे ऊपर ही काम था यार, मैं नीचे आ गया बेफालतू में। मुझे काम यहाँ पर ही है। अरे मुझे इनको सबको शायद से नहीं उठाना था, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे बस एक ही उसको टॉय देना था जिसके बाद में कि बच्चा खुश हो गया था। यार रिमाइंडर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे भाई को ले ले छोटे वाला, गुस्सा हो गया। मुझे
यार मुझे क्या करना है। मैं फंस गया, मुझे यही लेना था, मुझे यहाँ पर बैठना है। तो होके मैं ऐसे ही परेशान सा हो रहा था, तो मैं यहाँ पर बच्चे को भी देख रहा हूँ और दोनों काम कर रहा हूँ। अच्छा तो सो गया। लीव एंड क्लोज द डोर। कुछ करेगा तो नहीं? चिल आउट, वॉच टीवी ऑन सोफा। ओके अब क्या होगा, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब। पी गेट अनलॉक्ड। डोर पे कोई ना कोई है। ये मोबाइल फोन आया है मेरे लिए, पापा मम्मी ने गिफ्ट की। ये क्या चीज़ है यार वैसे? मुझे लंच टेबल के ऊपर रखना है इसको। ओके मैं अब टीवी को वॉच कर सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर दो नाइट्स निकल चुकी है जिसके बाद में कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे सोच कर डर लग रहा है। नाइट थ्री। भाई कितनी रातें बिता दी यार इसने तो। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। गो, मुझे बेबी के पास में ही जाना है वैसे, जैसा कि मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा तो हमारा प्यारा सा बच्चा रोने लग गया था। फाइंड समथिंग टू ईट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। मैं खा तो नहीं सकता ना कुछ भी, मुझसे चीज़ वीज पके पता नहीं मैं क्या निकाल रहा हूँ। मैं इसको फोड़ सकता हूँ वैसे, अच्छी बात है। मैं इसको भी फोड़ सकता हूँ, इसको तो मैं उसको बेबी को मारूँगा। तेरी जी गंदा जाता है वैसे तो। वैसे तो मैं अंधेरे में मतलब अकेला बैठ करके इसको कंटिन्यू मतलब गेम को चला रहा हूँ, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। ये वाले डोर के अंदर तो यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं करना। थोड़ा सा मैं इसका साउंड तेज कर लेता हूँ। उसे दो मिनट में इसको थोड़ा ट्राई करता हूँ। यार रिमाइंडर मुझे इसके बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को मुझे देख करके समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ से तो कुछ नहीं लेना।
यमुना से जैसा जितना मुझे पता है कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। वैसे कि मेरा यहाँ पर कुछ काम का चीज़ रखी हुई होगी, इसी तो मैं सिर्फ डोर को मतलब कि बंद कर सकता हूँ, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है मेरा, इसको तो मैंने ही खोला था। मैं बेबी के रूम में नहीं जा सकता ना, बस दिक्कत वहीं पर आ रही है। भाई हम खुद शीशे के अंदर नजर नहीं आ रहे, हम खुद तो भूत नहीं है। मैं इनको चालू छोड़ देता हूँ। सीट यार, 2ST मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका जो 2ST जो कुछ भी बताए मतलब बताने की कोशिश कर रहा है मुझे, हाँ मतलब कि जो कुछ भी गेम हम मुझे बताने की ट्राई कर रहा है। मुझे प्लेट तो लेकर के नहीं आनी खाने के लिए भाई, ऐसी मतलब सिचुएशन बन जाती है ना, उसको मैंने हाथ से ही फोड़ दिया, ऐसे ही चलते चलते उसको मैं इजीली ले करके जाता हूँ। नहीं यहाँ पर भाई इसको मैं रख भी नहीं पा रहा हूँ यार। यार क्या क्लू है यार इसके अंदर, मुझे कुछ तो समझ में आए। ऊपर तो मतलब कोई क्लू की चीज़ नहीं है, जैसा कि मैं होकर के आ चुका हूँ। डॉक्टर गिफ्ट एंड टू डेज फूडिश, ओके, आई एम समथिंग टू रीड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट वाले एपिसोड में कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मुझे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मुझे अगर जो थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा ना तो मैं गेम को कंटिन्यू कर दूंगा। मुझे बाहर तो नहीं जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है उससे तो मैं वाकिफ बातचीत मतलब हूँ। थोड़ा सा और ऊपर ट्राई करके आता हूँ, अगर जो समझ आया ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको थोड़ा समझूंगा, जिसके बाद में इसका सेकेंड वाला पार्ट में लेकर के आऊँगा, जो कि उसके अंदर मैंने उसके 2 एपिसोड्स भी मैंने बना रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ मोबाइल सा ऐसा रख मतलब लग रहा है। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तो बस इस वाले एपिसोड को मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। तो आई होप यही था आज का गेम प्ले वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ वॉच करने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टू टेक केयर एंड दिस की आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की, आप लोगों को आप मेरी वीडियोज़ जा कर के देखना, और जो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप